इस वक्त दो गोल्डन मैन हमारे साथ हैं, नासिक से पंकज पारख हैं और गोल्डन बाबा हमारे साथ हैं गांधीनगर दिल्ली से। लेकिन पंकज पारख को आप सुन रहे थे कि कैसे वो सोने की शर्ट इस वक्त पहन के बैठे हैं। इसी तरह के एक शौकीन पुणे के दत्ता फुगे भी हैं। दत्ता फुगे पुणे में गोल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। पंकज पारख जो अभी हमारे साथ हैं, उनसे पहले दत्ता फुगे सोने की शर्ट पहन चुके हैं। पंकज का जो शर्ट है वो 3 किलो 900 ग्राम के सोने का बना है और दत्ता फुगे जो पहले शर्ट पहन चुके हैं वो 3 किलो 200 ग्राम सोने से बना था। डेढ़ करोड़ की सोने की शर्ट आपने देखी? दिल्ली के गोल्डन बाबा को भी आपने देखा? एक से बढ़कर एक सोने के शौकीन, पुणे के पिंपरी चिंचवट के दत्ता फुगे सोने को जुनून की हद तक प्यार करते हैं। ऊपर से नीचे तक सोने से लदे रहते हैं दत्ता फुगे। सोने का बेल्ट, सोने की ब्रेसलेट, सोने की चेन और सोने की ही शर्ट पहनते हैं दत्ता फुगे। मेरा एक ख्वाहिश था पहले से, मैं एक अंगूठी दो अंगूठी डाल के जैसा भोसन में जब घूमने का पिंपरी चिंचवट में, वो टाइम पे मेरे को अच्छा ऐसा लगने का कि पैसा खाली मेरे पास ही है, तो हिसाब से मैंने गोल्डमैन बनने का फैसला लिया। दत्ता फुगे की ये शर्ट करीब 3 किलो 200 ग्राम खालिस सोने से बनी है। इस शर्ट में सोने की 14,000 बिंदियां लगी हैं। बिंदियों को सोने के 1,00,000 से भी ज्यादा तारों से बड़ी बारीकी से पिरोया गया है। इसे 20 कारीगरों ने रोज करीब 18 घंटे की मेहनत करके 20 दिनों में तैयार किया था। दत्ता फुगे ने यह शर्ट करीब 1.5 साल पहले 1,30,00,000 की लागत से बनवाई थी। पेशे से दत्ता फुगे बिजनेसमैन हैं। दत्ता फुगे की इस खास शर्ट के लिए कपड़ा विदेश से मंगाया गया था और इस पर जो बटन लगे हैं वो स्रोवस्की के हैं। कैलाशपुरी, जी मीडिया, पुणे। इस वक्त पंकज पारख हमारे साथ हैं जो कि दत्ता फुगे का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और साथ ही साथ गोल्डन बाबा भी है। गोल्डन बाबा, आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप पहली बार आपने सोना पहना था कितनी उम्र रही होगी और उस समय सोने की कीमत कितनी थी? ये 76-75 की बात है। उस टाइम सोना 270 रुपए तोला था, मेरे को याद है आज भी। 270 रुपए का तोला, यानी कि अभी तो 100 गुना से भी ज्यादा महंगा हो गया है सोना। क्या आप बीच बीच में लगातार सोना खरीदते रहते हैं, अभी भी खरीद रहे हैं? हाँ, मेरे को भी एक पारिक भाई को देख के कुछ अच्छा लग रहा है, एक जैकेट बनवाने के लिए सोच रहा हूँ कि उसमें भी सारे भगवान ही भगवान चारों तरफ लगवा दूंगा, चारों तरफ भगवान ही भगवान होंगे। अच्छा, तो देवता भी मेरे कम है, 33 करोड़ देवी देवता है, इनमें से कुछ कम है अभी मेरे पास, तो उन देवता को भी लाना है मैंने अपने शरीर पे। पंकज जी, ये समझाइए कि आपने जब पहली बार सोना पहना था उस समय आपकी उम्र कितनी थी और तब सोने की कीमत क्या थी? मेरी उम्र ऐसी मतलब 6-7 साल की थी और यही 250-260 रुपए तोला सोने की कीमत थी। अच्छा, और ये बताइए कि क्या आपके पिताजी काफी अमीर थे, उनके पास काफी पैसा था कि वो इतने सारा सोना खरीद के आपको देते थे? नहीं नहीं, उस जमाने में तो कोई तोला दो तोला ही पहनता था, ये तो मैं अभी पहनने लगा हूं 10-15 साल में। पर परिवार की हालत कैसी थी जब आप फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में थे और सोना पहनते थे? बस मतलब जैसे उस टाइम में कोई ज्यादा सोना ही नहीं पहनते थे, तो कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं थी ना, तो एक तोला तो बहुत हो गया वो टाइम पे। तो परिवार मिडिल क्लास रहा होगा उस समय, न बहुत अमीर न बहुत गरीब? जी, मीडियम मीडियम। ठीक है गोडे बाबा, आप किस तरह के परिवार से हैं? मिडिल फैमिली से हूं। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे समझाएं कि कभी आपने खुद बैठ के सोचा है कि अगर मैं ये सब सोना जो पहनता हूं ये छोड़ दूं तो कैसा लगेगा? क्या आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक हाथ या पांव नहीं है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इसको पहन रहे हैं, क्या है कि आपके शरीर के एक अंग की तरह हो गया अभी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरे दिल की धड़कन है ये। सोना आपसे दूर हो जाएगा तो कैसा लगेगा? फिर तो मेरे को 6 मीटर कपड़े में लपेट के कहीं और ही जाना पड़ेगा।
पंकज, आप तो आमतौर पे नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं, गोल्डन शर्ट तो आज इंटरव्यू के लिए पहना है, 45th बर्थडे पे आपने पहना था, लेकिन साथ में और कितना सोना आप पहनते हैं, क्या क्या पहनते हैं? मैं शर्ट को छोड़ के अभी भी 2.25 किलो सोना रेगुलर डेली पहनता हूं। ठीक है, अच्छा बचपन की आपको पंकज कोई चीज याद आती है कि आपका ये जो सोना, सोने का प्रेम है इतने साल का, 45 साल का, इसके बारे में कोई दिलचस्प घटना याद आती है? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं बड़ी, बस जैसी जब भी इच्छा होती थी बस वो हिसाब से पहन लिया करते थे, बाकी कोई अटली घटना जैसी कोई बात नहीं हुई इसमें। पहली बार जब आपने ज्यादा मात्रा में सोना पहनना शुरू किया तो लोगों का रिएक्शन क्या था? मेरे को लोगों के रिएक्शन से मुझे कोई मेरा जो है, मुझे खुद को पहनना है, मुझे अच्छा लगता है, कौन क्या कहता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं उस बात से। गोल्डन बाबा, आपके जो भक्त आते हैं आपके पास में, पुराने दोस्त भी आते होंगे, इतना सारा सोना देखकर उनका रिएक्शन किस तरह का आता है? खुश होते हैं सब लोग मेरे को देख के, बहुत हैप्पी होते हैं, आकर्षक बढ़ता है उनका भी कि हमारे मित्रता, हमारे बीच का एक भाई था, आज किस लाइन पे चला गया, गोल्ड मैन कहला रहा है गोल्ड पहनने से। तो ये इस तरीके की बातें तो होती हैं हर जगह। बाकी मैंने आपको पहले बताया कि इस चीज का मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सचमुच ये बताऊं, मेरी जेब में अगर 500 रुपए भी ना हो, 5000 भी ना हो, 2000 भी ना हो, गोल्ड मेरे साथ रहता है। मैं उस चीज को नहीं देखता मेरी जेब में 2000 है या नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरा ये डेली का नियम है इतना सोना पहनने का। मैं ये नहीं कि एक दिन पहन रहा हूं, किसी फंक्शन में जा रहा हूं, किसी शादी में जा रहा हूं, मैं टू व्हीलर पे भी बैठ के घूमता हूं, मैं बाइक पे भी बैठ के घूमता हूं, मैं गलियों में भी पैदल घूमता हूं। तो मेरे को इसी तरीके से लगता है, बस मैं जिधर जाता हूं लोगों को पता है कि गोल्डन बाबा आ रहे हैं, और लोग मेरे को मिलते हैं, मेरे को अच्छे तरीके से मिलते हैं, दिल से मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मेरे बड़े छोटे मेरे को प्यार देते हैं। अच्छा, आप ये विजुअल्स में भी हम देख रहे हैं, आलीशान घर है आपका, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है आपके घर में, और आप अभी भी सोना खरीदते हैं, बहुत सारा सोना पहनते हैं। अब तो आपने कारोबार छोड़ दिया, फिर इतना पैसा कहां से आता है ये सब मेंटेन करने का भी, और सोना पहनने का भी, खरीदने का भी? ये प्रभु ने दे रखा है ना, आस्ते आस्ते। मैं और तो किस चीज में यूज करता नहीं हूं पैसा, मैं सिर्फ इसी चीज में यूज करता हूं, ज्यादा जो पैसा यूज करता हूँ गोल्ड में ही करता हूँ। और ये आज से नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 74-75 से हल्का 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 चल रही है। पंकज जी, आपकी मेरे ख्याल से शादी हुई है, आप ज्यादा सोना पहनते हैं कि आपकी पत्नी ज्यादा पहनती है? नहीं, मेरी पत्नी सोना नहीं पहनती है, बस मुझे जितना रेगुलर लगता है बस उतना ही, बाकी तो सोना पहनने की आदत सबने घर में, मैं ही पहनता हूँ सोना।